घूमने फिरने के शौकीन लोग विदेशों में जाने का सपना जरूर संजोते हैं। अगर भारतीयों की ही बात करें तो हमारे यहाँ तो विदेश जाना मतलब कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी बात मानी जाती है। हनीमून पर जाने वाले कपल्स भी भारत से बाहर निकलकर दूसरे देश की यात्रा करने की प्लानिंग करते हैं। हालांकि प्लानिंग करना अलग बात है और वहां पर सच में जाना अलग बात। जाहिर है विदेशी यात्रा के लिए बजट बनाते बनाते लास्ट में प्लान ड्रॉप कर दिया जाता है, लेकिन 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 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे उन देशों के बारे में जहां पर आप 20,000 रुपए में एक हफ्ते तक खाना, रहना, पीना और एंजॉय करके लौट सकते हैं। क्या हुआ, यकीन नहीं हुआ? अरे भाई, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां पर इंडियन करेंसी बहुत मजबूत है। हाँ, वो बात अलग है कि जब भी भारतीय करेंसी की तुलना होती है तो हम उसे अमेरिकी डॉलर से कंपेयर करते हैं और फिर निराश हो जाते हैं। खैर, अमेरिकी डॉलर है भी तो ग्लोबल करेंसी, तुलना तो होगी ही। खैर छोड़िए, हम आपके लिए जो फायदे की खबर लाए हैं उस पर फोकस करते हैं। तो बात ऐसी है कि दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां पर एक हफ्ते का खर्चा 20,000 से 25,000 में आराम से निपट सकता है, और इसकी वजह है उन देशों में भारतीय करेंसी का बेहद मजबूत होना। वियतनाम, इन देशों के लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है वियतनाम का। क्या आपको पता है वियतनाम में भारत के 100 रुपए की कीमत 31,825 रुपए वियतनामी डोंग है, यानी 1 रुपए की कीमत लगभग 318 वियतनामी डोंग के आसपास। वियतनाम एक बेहद खूबसूरत जगह है। आप भी देखेंगे तो कहेंगे कि ये देश प्रकृति के बहुत करीब सा नजर आता है। वियतनाम में रेन फॉरेस्ट की तादाद बहुत अच्छी है, जिस वजह से वहां का मौसम सुहावना रहता है। इस देश में नदियां भी हैं, जिसके कारण इसे पानी का देश कहा जाता है। यहां के हाइफोंग और हनोई जैसे शहर फेमस हैं। शांतिप्रिय जगह जाना चाहते हैं और वो भी अपने बजट में, तो आप इस देश घूमकर आ सकते हैं। बता दें, यहां पर एक हफ्ते के रहने का आपका खर्चा 20,000 में निपट सकता है। इंडोनेशिया, हनीमून जाने वाले कपल्स के लिए इंडोनेशिया का बाली द्वीप सबसे पहली पसंद होता है। हालांकि जो लोग यहां जाने के बारे में सोचकर ही बैठ जाते हैं, उनको हम बता दें कि यहां पर भी भारतीय करेंसी बहुत मजबूत स्थिति में है, इसीलिए यहां पर घूमना आपके बजट में आराम से आ सकता है। बाली, जावा और सुमात्रा जैसे तमाम सुंदर द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया सुदूर पूर्व में ऑस्ट्रेलिया के पास है। हर साल लाखों की तादाद में लोग इंडोनेशिया घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पर 1 रुपए की कीमत 191 इंडोनेशियन रुपया है। दिलचस्प बात तो ये है कि यहाँ पर भारतीयों को वीजा भी मुफ्त में मिल जाता है। खूबसूरत मंदिर, परंपराओं से लबरेज और सैलानियों से पटे पड़े समुद्री बीच इसे और भी आकर्षित बनाते हैं। यहाँ पर एक हफ्ते तक रुकने, खाने पीने का खर्चा लगभग 26,000 तक आ सकता है। बेलारूस, इस लिस्ट में रूस के पड़ोसी देश बेलारूस का नाम शामिल है। बेलारूस में अगर करेंसी की बात करें तो भारत के 1 रुपए की कीमत 286.71 बेलारूसियन रूबल है। जाहिर है, इस लिहाज से देखा जाए तो आप कम पैसों में इस देश की यात्रा कर सकते हैं। बीच, मॉन्यूमेंट्स और शांति के बीच आप इस देश की कई खूबसूरत जगहों का आनंद भी ले सकते हैं, और हाँ, वो भी आपके बजट में। इस देश में आने के बाद आपकी जेब ज्यादा ढीली नहीं होगी। पैराग्वे, दक्षिण अमेरिका के मध्य भाग में बसा ये देश उन कुछ देशों में शामिल होता है जिनकी सीमाएं समुद्र को नहीं छूती हैं। पैराग्वे में भारतीय करेंसी बेहद स्ट्रांग है। यहाँ पर 1 रुपए की कीमत 86.90 रुपए पैराग्वेन गुआरानी है। चर्च और यहाँ के आइलैंड इस देश को पर्यटकों के बीच खासी पहचान देते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले अलग अलग प्रजाति के जीव भी लोगों को आकर्षित करते हैं। इतना ही नहीं, इस देश की एक बेहद खास जगह है जिसका नाम है ट्रिपल फ्रंटियर्स, जहाँ पर भी आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर खास क्या है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ पर आपको एक ही पॉइंट से 3 अलग अलग देश, यानी कि अर्जेंटीना, ब्राजील और पैराग्वे
एक साथ दिखते हैं। यहाँ पर आपकी ट्रिप का खर्चा भी काफी कम आएगा। चूंकि यहाँ होटल काफी सस्ते हैं तो लगभग लगभग एक हफ्ते होटल में रुकने का खर्चा 7,000 तक आ सकता है। कंबोडिया। अब बात करते हैं ऐसे देश की जो थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया के करीब बसा हुआ है। कंबोडिया अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने इतिहास को लेकर चर्चाओं में रहता है। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध अंकुरवाट मंदिर का नाम आपने सुना होगा। दरअसल ये मंदिर भी कंबोडिया में ही है। यहाँ का इतिहास दर्शाता है कि कभी कंबोडिया में राजा महाराजाओं का शासन था। कंबोडिया में भारतीय करेंसी की मजबूती इतनी है कि यहाँ भी आप अपने बजट में बिना किसी टेंशन के घूम करा सकते हैं। यहाँ पर एक रुपए की कीमत 55 कंबोडिया रियल के बराबर है। मंगोलिया। अब बात मंगोलिया की। ये देश चीन और रूस के बीच बसा हुआ है। ये उन चंद देशों में शामिल है जहां पर पशुओं की तादाद काफी ज्यादा है। दिलचस्प बात तो यह है कि मंगोलिया में घोड़ों और बकरियों की आबादी वहां रहने वाले लोगों से ज्यादा है। मंगोलिया में तीरंदाजी और घुड़सवारी लोगों के प्रमुख शौक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मंगोलिया में भारतीय रुपए की कीमत 37 मंगोलियन टुग्रिक के बराबर है। यहां पर आकर आपका खर्च इतना कम होगा कि वहां पर आपको भी लखपति वाली फीलिंग आएगी। हंगरी। लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। आपके लिए अभी और भी देश बाकी हैं जहां पर आप घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं, वो भी बिना जेब ढीली किए। अगर आप यूरोप घूमना चाहते हैं तो आप बेहद कम पैसों में हंगरी का सफर करके आ सकते हैं। हंगरी में घूमने लायक बहुत सी जगहें हैं। यहां पर एक रुपए की कीमत 4 हंगेरियन फॉरिंट है। ईरान। ईरान जैसे देशों में भी भारतीय रुपया तेजी से अपनी पकड़ बनाए हुए है। ईरान जैसे डेवलपिंग देश में एक रुपए की कीमत 577 ईरानी रियाल है। ईरान के कई शहर न सिर्फ घूमने के लिए परफेक्ट हैं, बल्कि यहाँ पर खाने पीने के टेस्टी आइटम्स का लुत्फ भी आप कम पैसों में उठा सकते हैं। जैसे कि ईरान की फेमस चाय 25 से 30 रुपए और पिज्जा आपको 40 रुपए में मिल सकता है। श्रीलंका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत के दक्षिण में बसे इस छोटे से देश की अपार सुंदरता आपको यहीं पर रह जाने के लिए आकर्षित कर देगी। वैसे भी श्रीलंका के साथ तो पुरातन इतिहास रहा है। भारतीय धर्म ग्रंथों में भी श्रीलंका के बारे में कई बार जिक्र है। श्रीलंका में एक रुपए की कीमत 2.36 श्रीलंकन रुपए है। इस देश की खूबसूरती ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर आप अपनी अगली ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं।